to learn this. And now today we will learn the meaning of the poem. ठीक है? Poem में क्या बताया है? वो जो छोटा सा बच्चा है ना, उसका first day है school में और वो school में पहले दिन गया है. जैसे कि आप first standard में थे, तो आप कैसे first day पे आए थे ना? और आप school में आए थे, तो आप कैसे थे? कुछ बच्चे तो कैसे थे? ऐसे डर रहे थे, है ना? कि मैम हमको मारेंगे, कि डांटेंगे. और कुछ कैसे थे? कुछ बच्चे तो बहुत स्ट्रांग थे, आके सीधा बैठ गए, है ना? और कुछ बच्चे ऐसे थे जो टीचर का ऐसे दुपट्टा पकड़ पकड़ के घूम रहे थे, है ना? मैम के साथ आपने देखा है ना, फर्स्ट स्टैंडर्ड में जब आप आए थे तो कुछ बच्चे ऐसे थे. ठीक है, तो अभी आपका फर्स्ट डे कैसा था? तो वो चाइल्ड भी फर्स्ट डे स्कूल में जा रहा है. ठीक है, उसका पहला दिन है स्कूल में और वो जा रहा है. तो ही इज थिंकिंग दैट आई वंडर, कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि जब मैं स्कूल जाऊँगा तो क्या क्या होगा मेरे साथ. ओके, सो दिस इज द पोएम अबाउट आई वंडर. नाउ आई एम रीडिंग वन बाय वन द लाइंस एंड आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज द लाइन और व्हाट द लाइन सेज. ओके, सो यू जस्ट लिसन, आप सिर्फ सुनो. तो सबसे पहला क्या है कि आई वंडर इफ दे विल लाइक मी और जस्ट I wonder if they will like me or
अंडरस्टूड द पोयम और मैंने जो पोयम गा के आपको सेंड किया है, ट्राई टू सिंग दैट पोयम, इट इज़ वेरी ब्यूटिफुल और आपको मज़ा आएगा उसको गाने में, ठीक है। और जब ये पोयम आपको समझ में आ जाती है, देन व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू लव दिस पोयम एंड यू आर गोइंग टू राइट डाउन द वर्ड्स विच यू आर नॉट एबल टू स्पीक, ओके, एंड देन वी विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट क्लास, ओके। सो टिल देन बी सेफ एंड बाय बाय।